行。देख लिया। हाँ सर, जैसे क्वेश्चन है, मान लो सर हाँ बोलिए, बोला सर इसका कोई एक कन्वर्जन बता दीजिए ना, मतलब कैसे होता है ये। तो क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी। मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है और 6 ओम है। अब ये वोल्टेज तो ब्रिज नहीं बन रहा, देखो आप। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी चाहिए, और मान लो बैटरी ने कितना करंट दिया, मान लो आई करंट दिया, तो वो आई करंट कितना ये फाइंड करना है ना। 10 वोल्ट ये फाइंड करना है अपने को। ओके, कैसे करेंगे? यहाँ देखो आप, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, और ये मान लेते हैं सी। हमें इसको ये किस में, अभी डेल्टा में, स्टार में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है इसको स्टार में। इस वाली फॉर्म में लेके जाना है इसको। तो स्टार का क्या फॉर्मूला था स्टार से कन्वर्ट करने के लिए? तो अब जैसे मुझे ये यहाँ का रेजिस्टेंस चाहिए, ये R1 रेजिस्टेंस चाहिए, ये R2 चाहिए, ये R3 चाहिए। यानी R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 किस किस से मिलके बन रहा है, R1 2, तो 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 4 + 6 कितना हो गया है, 8 डिवाइडेड बाय कितना हो रहा है 12, यानी 2/3 ओम R1 ही आ गया। R2 देख लो, R2 यानी 2 × 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया, 1 ओम आ गया। R3 देख लो, 4 × 6 डिवाइडेड बाय 12
कितना आ गया, 2 ओम आ गया, 62 ओम आ गई, यानी हमारा ये सर्किट हो गया ऐसा। आर वन कितना है, 2/3 ओम, ये बी है और ये सी है। आर टू कितना है, 1 ओम, 2 ओम, और यहाँ ये कितना है, 4 ओम, यहाँ कितना है, 2 ओम। चलो पाई है, 1 और 4 कितना हो गया, 5, 2 2 कितना हो गया, 4, ये दोनों मिला के ऊपर 5 नीचे 4 पैरेलल में है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा यहाँ 2/3, तो 4 × 5/9 सॉल्व कर लो, इसमें कितना करंट है वो मिल गया और इसका इक्विवेलेंट भी मिल जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, बात समझ में आ गई। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया देखो यहाँ, तो 2/3 + 20/9, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यानी हो गया 26/9 ओम, इक्विवेलेंट आ गया और करंट भी मिल जाएगा। सर्किट सॉल्व कर दो, ये जाएगा 10 वोल्ट = 26/9 × I, तो वो हो गया हमारे पास में 45, यानी करंट आ गया 45/13 एम्पियर। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है, अभी समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर, ऐसे करना है। सर इस केस में जो लेफ्ट साइड पे 4 ओम है, बीच वाला 6 ओम और राइट का 2 ओम, वो भी स्टार फॉर्मेशन में, तो उसको भी हम डेल्टा में कर सकते हैं ना? तो फिर 4 6 2, फिर इधर वाले को कर लो या तो राइट वाले को ही कर लो, अब दोनों को थोड़ी करोगे एक साथ, कैसे करोगे, या तो इधर का कर लो या उधर का कर लो, ठीक है? ठीक है सर। सर इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं, मतलब जो ए बी ब्रांच है और दूसरा, मतलब जो ऊपर वाला 2 ओम है और जो मतलब राइट में नीचे वाला 2 ओम है, दोनों में से सेम ही करंट पास होगा? केवीएल से भी कर सकते हैं, दोनों से सेम करंट जाएगा उधर, 4 4 में भी सेम जाएगा। बताता हूँ देखो एक और तरीका इसका, किरचॉफ लॉ से भी कर ही सकते हैं, हो गया सर। नेक्स्ट है, अब आपके क्या है कि मेंस में ये भी आते हैं, इस बार नहीं पूछा है कार्बन रजिस्टर से, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो कार्बन रजिस्टर्स के बारे में बता देता हूँ।
तो इसमें हम लोग दो मेथड देखते हैं, इसमें से पहला जो मेथड है वो इम्पोर्टेंट मेथड है, उसी से क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन सेकंड से ही पूछा जा सकता है ना। तो वैसे तो वही है क्योंकि स्टेट बोर्ड में तो फर्स्ट मेथड ही दिया है, फर्स्ट ही मेरे ख्याल से इसमें भी दिया होगा, एनसीईआरटी में भी। एनसीईआरटी में है ना एक कार्बन रजिस्टर, हाँ सर है। तो एक ही मेथड पढ़ लेते हैं, दो पढ़ने की जरूरत क्या है, जो काम का है जिससे क्वेश्चन आते हैं वही पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, दरअसल हम कलर इस पे एक तरह से एक सिलेंड्रिकल क्या बोलते हैं शेप में होता है ये, और उसपे कलर बने रहते हैं, रेड ब्राउन येलो इस तरह से, यानी रिंग्स बनी रहती है कलर्स की। उसके अकॉर्डिंग अपने को बताना होता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि मतलब कलर के बारे में, फिर मैं उसमें उस बाल में सबको बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड बाय रिकॉर्डिंग कर सकते, याद करने का तरीका है और क्या। ये टेबल है याद रखिएगा, मैं बना देता हूँ, क्योंकि मुझे तो याद हो ही नहीं है टेबल, लेकिन आपको तो याद होना चाहिए, मैंने कभी ट्राई किया भी नहीं इसको याद करने का। कलर पर डिजिट सेकंड डिजिट मल्टीप्लायर टॉलरेंस पहला है ब्लैक, तो 0 0 है ना, 10 to power 0 कोई टॉलरेंस नहीं। टॉलरेंस मतलब एरर की बात कर रहा है, तो आप ये एरर भी लिख सकते हो। ब्राउन 1 1
10 टू पावर 1 है ना, लेकिन अगर इसका दिया है तो प्लस माइनस 1%, रेड 10 टू पावर 2 या प्लस माइनस 2% इसका, फिर ऑरेंज 3 10 टू पावर 3, इसका कोई टॉलरेंस नहीं, येलो 4 10 टू पावर 4, ग्रीन 5 10 टू पावर 5, ब्लू 6 10 टू पावर 6, वायलेट 7 10 टू पावर 7, ग्रे 8 10 टू पावर 8, ठीक है, और ये थोड़ा अलग हटके है, यानी ये रिंग को लेकर होगा, लास्ट वाली रिंग जो होगी अगर वो गोल्ड की है तो मल्टीप्लायर होगा 5%, सर वाइट वाइट तो बोली गई, वाइट नाइन 10 टू पावर 9, ठीक है, लिखा है नीचे वाला, ये गोल्ड है, इसकी टॉलरेंस लिखना है प्लस माइनस 5%, फिर है सिल्वर, इसकी टॉलरेंस लिखना है प्लस माइनस 10%, और अगर कोई फोर्थ बैंड नहीं है, नो फोर्थ बैंड, क्योंकि फोर्थ बैंड होगा तब लेना है, नो फोर्थ बैंड तब हो जाएगा प्लस माइनस 20%, ये एरर के साथ में, मतलब अभी बताता हूं मतलब क्या है, तो सब सर गोल्ड सिल्वर में मल्टीप्लायर नहीं, क्या 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 गोल्ड सिल्वर में मल्टीप्लायर नहीं है ना,
मल्टीप्लायर है, पर वो मुझे मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। फोर्थ बैंड पर ही गोल्ड और सिल्वर होगा। पहले थर्ड रिंग रेयर ही होती है इनकी, गोल्ड और सिल्वर की, हमेशा फोर्थ रिंग ही बनाई जाती है। यानी फर्स्ट डिजिट फर्स्ट रिंग को इंडिकेट करेगा, सेकंड डिजिट सेकंड को करेगा मल्टीप्लाई, थर्ड रिंग को करेगा, और जो फोर्थ रिंग है वो गोल्ड या सिल्वर की बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी। वैसे चाहो तो इसका मल्टीप्लायर होता है 10^-1। यानी थर्ड जब रिंग होगी तब तब इसका मल्टीप्लायर होगा 10^-1 और इसका होगा 10^-2। उसी तरह ब्राउन और रेड की अगर फोर्थ रिंग है तो +-1% लेना होगा ब्राउन के लिए, रेड के लिए +-2% लेना होगा। तो लास्ट टाइम तो थे क्वेश्चन, इस बार तो नहीं पूछा इन्होंने। यानी गोल्ड और सिल्वर से वन फर्स्ट पहली रिंग और दूसरी रिंग नहीं बनाते हैं, तीसरी कभी वो रेयर मतलब पूछेगा नहीं, मुझे लगता क्वेश्चन आएगा वो, लेकिन फोर्थ रिंग बनाते हैं। और ब्राउन और रेड की फोर्थ रिंग रेयर ही बनाते हैं। ये टॉलरेंस है क्या लिखा है, लिख लिया सर। या ना आज क्या है फर्स्ट है,
देख लिया ना अभी इसमें देखो हाँ मैं बताता हूँ इसमें कुछ पॉइंट है जो याद रखने हैं आपको। पहली रिंग क्या इंडिकेट करेगी देखो, पहली रिंग फर्स्ट डिजिट को, सेकंड रिंग सेकंड डिजिट को, तीसरी रिंग जो होगी मल्टीप्लायर को, और फोर्थ रिंग होगी टॉलरेंस को। ठीक है तो मैं लिखवा देता हूँ इसे। There are coaxial rings painted, coaxial rings और इसको bands भी बोलते हैं हम लोग। There are coaxial rings painted on the register. Which reveal the some facts, which reveal the following facts. So, pehla, so first ring hogi, wo first significant figure ko indicate karegi. तो फर्स्ट रिंग, फर्स्ट रिंग और बैंड विल इंडिकेट, विल इंडिकेट फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट डिजिट। ठीक है ना, डिजिट लिया तो फर्स्ट डिजिट। सेकंड रिंग विल इंडिकेट सेकंड डिजिट। थर्ड third ring will indicate multiplier, and fourth tolerance. ठीक है, अगर है तो फोर्थ रिंग विल इंडिकेट टॉलरेंस। ठीक, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। तो पहले तो समझा देता हूं कैसे रिंग्स बनी रहेगी। जैसे सिलेंड्रिकल शेप में होता है ये,
तो ये पहली रिंग हो गई, यहाँ ब्लैक हो सकता है, फिर ऐसे रेड हो सकता है, फिर ऐसे येलो हो सकता है, और कलर नहीं आ रहा इसका, ठीक है इसको गोल्ड समझ लेते हैं, येलो को क्या करें, या इसको कुछ और कलर करेंगे, मान लो ये है इसको ग्रीन बना लेते हैं समझने के, ऐसे ठीक है, ऐसे फोर रिंग होगी होगी, तो कभी कभी तीन ही रिंग होती है और कभी कभी चार होती है, ऐसे रिंग्स रहेगी, ठीक है भाई, जैसे क्वेश्चन लेते हैं उससे क्लियर हो जाएगा सब आपको, बना लिया? हाँ सर, हाँ सर, जैसे ये एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपने को दिया है कि ये क्वेश्चन है, तो पहले येलो और रेड, ये रेड रिंग है, फिर इससे रेड है, फिर इससे रेड है, फिर है सिल्वर, इसको सिल्वर समझ लेते हैं हम लोग, ग्रीन वैसे तो ये तो रेड, ये भी रेड, ये भी रेड, और ये सिल्वर है, तो रेड रेड का देखो, रेड का क्या है पहला डिजिट क्या है रेड का, वन, दूसरा डिजिट क्या है वन, टेन टू पावर वन प्लस माइनस कितना है सिल्वर का टॉलरेंस 10%, ये आंसर है रेड का, रेड का ट्रू होता है, तो टू टू टेन टू पावर टू, तो ये आंसर है इसका, ठीक है ना, से कर लोगे कोई दिक्कत है नहीं, इसका याद करने का तरीका ये है, इसे याद करिएगा कलर कोड को, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ,
ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ब्लैक, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, फिर ये ब्लू, ये वायलेट, ये गोल्ड, ग्रे, और ये सॉरी ग्रे, ग्रे सॉरी, और ये वाइट। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। आज शाम को कितने बजे क्लास है आप लोगों को? रात को है सर, 7 बजे। शाम को 7 बजे कब तक चलेगी? वन एंड हाफ आवर होगा, पर डीपीपी भी है। कब तक चलेगी? 9:30 तक ना, 9:30 तक, 9:30 से डीपीपी है, मतलब 7 से लेकर 10:30 तक क्लास होती है। मिक्स डीपीपी कंपलसरी नहीं रहती। अच्छा, फिजिक्स की आज 5 से 6:30 क्लास, 5 से 6:30, हाँ उसमें डिस्कशन रहेगा, ठीक है ना सर? क्या डिस्कस करेंगे उसमें सर? कितने बजे? स्टैटिक्स और ग्रेविटेशन। कितने बजे सर? 5 से 5:30। पाँच बजे हाँ ठीक है, ठीक है। से तो कैसे हो पाएगा? सर आप भी मतलब अभी रेगुलर डीपीपी का स्टार्ट करा था, मतलब आप भी मतलब ऐसा जैसे 1 घंटे रोज का रखवा दो, चाहे तो 12th वाला और हमारा दोनों का कंबाइंड रख दो रोज डीपीपी का। 12th वालों को मैंने वो मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और बोर्ड का दिया हुआ है, वो तो हो नहीं पा रहा है उनसे, उसमें भी ऐसे आके बैठे रहते हैं, और डीपीपी दे दूंगा तो भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
कल क्लास है क्या? कल भी ठीक है, कल है क्या? आप कब पूछ रहे हो सर? हाँ मेरा ही आपका रोज है सर। हाँ सर है आप? हाँ सर आपका रोज है। वो तो देखो वो सोचता था आज ही होता ना। डिस्कशन में 10:30 से रख सकता हूँ क्या? 10:30 से 12 रात में? हाँ चलेगा सर। भाई बाकी चलेगा सर, तैयार हैं? हाँ सर चलेगा, है ना? हाँ सर, हाँ सर चलेगा। चलो रात में है तो 10:30 से 12 ठीक है, इसमें